नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा था कि जो गोरा है उसको हो गई है लंपी, देख सकते हो आप। एक ही गांठ है ये अभी तक, ये देख सकते हो बहुत बड़ी ये गांठ। बाकी इसके शरीर पे कहीं भी गांठ नहीं है। और इसका कारण मैं बता दूं कि इसको अभी हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले बेलामिल और टोनोफास्फेट दो इंजेक्शन आते हैं, दोनों 5-5 ml लगवा दिए थे। उसके कारण सिर्फ एक गांठ आई है इसमें। और इस गोरी को भी, इस बछिया को भी पहले लंपी हुई थी, तो उसी कारण देख सकते हो आप कुछ भी 2-4 गांठ आकर ही सूख गई थी अपने आप, ये देख सकते हैं। तो अगर मैंने जो अपने पूरे फार्म पे जो भी गाय है उनके हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो सभी जानवर जो सफ़ेद जानवर गाय गाय HF की हो या देसी हो, उनको आप बड़े जानवर है तो 10-10 ml लगवा दीजिए, और जो छोटे जानवर है उनको 5-5 ml। तो उससे क्या होगा, अगर लंपी आ भी रही है तो ये देख सकते हैं, ये इंजेक्शन है, ये बेलामिल 30 ml का है, लगभग 60 से 65 रुपये में आता है। और दूसरा इंजेक्शन है ये टोनोफास्फेन, ये भी 30 ml का है, ये लगभग 190 रुपये का आता है। तो छोटे जानवरों को जो बछड़े हैं उनको 5-5 ml दोनों इंजेक्शन, और जो बड़े जानवर हैं उनको 10-10 ml लगा सकते हैं, जिससे अगर लंपी आ भी जाती है आपकी गाय या भैंस गाय या बछड़ों में तो वो कवर में ही रहेगी, उनका खाना पीना कम नहीं होगा। और देख सकते हो हमारे अभी भी लंपी आई है, फिर भी कोई उस बछिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांठ वाट कुछ नहीं आई है। और मैं आपको दूसरा एक बछड़ा दिखाता हूँ जिसकी लंपी के कारण हालत क्या हुई है, उसको हमने बेलामिल और टोनोफास्फेट दोनों नहीं लगाए थे।